आज हम बनाएंगे चिकन और चने की दाल। दाल को हम अच्छे तरीके से पहले धो लेंगे, दो तीन बार इसको हम धो लेंगे अच्छे तरीके से। दाल को हमने रख दिया हल्की आंच पे, उबाली आने के बाद मैं बताऊंगी हमने क्या करना है। तो देखिए उबाली आ गई है, अब इसको हमें क्या करना है, इसकी झाग उतारेंगे हम सारी। झाग उतारने के बाद क्या करना है, हमने एक चम्मच घी डाल देना है, ये दाल गिरेगी नहीं। इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद लिए हैं मैंने चिकन, आधा किलो हमारी दाल थी, आधा ही किलो हमारी चिकन है। चार से पांच मैंने प्याज काट लिए हैं, थोड़ा सा लिया है मैंने लहसुन, और पांच से छह मिर्चें मैंने ली थी इसको पीस लिया है। आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी का, एक ही चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च, और थोड़ी सी ली है मैंने अजवाइन, और लिया है मैंने कोरमा मसाला एक चम्मच, हसबे ज़रूरत आप नमक डाल सकते हैं, और थोड़ी सी ली है मैंने काली मिर्च। दो चम्मच मैंने घी के डाल दिए थे, उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें प्याज डालूँगी, क्या करना है चिकन डालूँगी उसमें, और हम नमक डाल के इसको भूनेंगे चिकन के, सब टेस्ट अच्छा आता है इसको। तो अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। इसमें हम डालेंगे हल्दी, उसके बाद हम लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे उसके बाद, लाल मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च, कोरमा मसाला, ये मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। क्या करना है, जो हमने दाल को उबाला था वो हम इसमें डाल देंगे, और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे, और आपने जितना शोरबा रखना है पानी उतना डालें। जी तो हमारी दाल और चिकन तैयार है, मैं इतना ही शोरबा इसमें छोड़ूंगी, इसको आप नान के साथ खा सकते हैं या चावल उबाल के उसके साथ भी खा सकते हैं, और इसको मैं इतना ही रखूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।